करता है कि प्रश्न व उत्तर लिखेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने इस पाठ के कठिन शब्द, शब्दार्थ व मौखिक प्रश्नों को समझा था और कुछ रचनात्मक कार्यों को भी सीखा था। आइए इस कक्षा में हम प्रश्न उत्तर लिखते हैं। इसके लिए आप अपनी पाठ में, अपनी पुस्तक में एक नया पृष्ठ लेकर सबसे ऊपर पाठ की संख्या लिखेंगे, फिर पाठ का शीर्षक, उसके बाद प्रश्न उत्तर लिखकर पहला प्रश्न लिखेंगे। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, हम कौन हैं? इस कविता में इसका उत्तर है, इस कविता में हम बच्चे हैं। कवि ने यह कविता बच्चों के निश्चल मन को ध्यान में रखकर लिखी है, इसलिए इस कविता में हम यानी बच्चे। दूसरा, बच्चों का क्या क्या बनने का मन करता है? इसका उत्तर है, कविता में बच्चे अनेक तरह की कल्पनाएं कर रहे हैं। वे पंछी, परी, मछली, बादल आदि बनना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, बच्चे पंछी बनकर क्या करना चाहते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है, बच्चे पंछी बनकर खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं व सूरज चांद से बातें करना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है, बच्चों का मछली बनकर क्या क्या करने का मन करता है? इसका उत्तर है, बच्चों का मन भी मछली के समान चंचल होता है। मछली की तरह बच्चे भी अगाध सागर की सैर करना चाहते हैं। वे लौटते समय अपने साथ सागर की गहराई में छुपे मोती चुनकर लाना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न है, बच्चे कौन सा बंधन तोड़ना चाहते होंगे? इसका उत्तर है, बच्चे दुनिया के सौंदर्य से बहुत प्रभावित हैं, इसलिए वे सांसारिक बंधनों को तोड़कर आजाद होना चाहते हैं ताकि अपनी कल्पना को साकार कर सकें और पृथ्वी की हर एक विशेषता का आनंद उठा सकें। बच्चों, इस संदर्भ में छठा प्रश्न है, तुम्हारा क्या क्या करने का मन करता है? बच्चों, यह एक रचनात्मक प्रश्न है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे अपनी अपनी कल्पनाशीलता को ध्यान में रखकर लिखेंगे। यानी आप स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, आपका खुद का क्या करने का मन करता है, यही चीज इस प्रश्न का उत्तर है। तो आप इस प्रश्न को स्वयं लिखेंगे, ठीक है? इसके बाद दिए गए शब्दों से वाक्य बनाने के साथ ही हमारा यह पाठ समाप्त हो जाएगा। कुल 5 महत्वपूर्ण शब्द कविता से ढूंढकर यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें पहला शब्द है परी, दूसरा पंछी, तीसरा घूंघर, चौथा खजाना और पांचवा झोली। तो बच्चों, इन सभी 5 शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। वाक्य छोटे और आसान होने चाहिए, जैसे परी बहुत सुंदर है, परी के 2 सफ़ेद पंख हैं, परी आसमान में उड़ती है। इस प्रकार के आसान और छोटे वाक्य आप बनाएंगे। तो चलिए, इस प्रकार हमारा यह पाठ समाप्त हो गया। आप सभी प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में सुंदर से लिखेंगे एवं बाकी अन्य तथ्यों को याद करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।